गांव का पर छोटी सोच नहीं भाई, सोचे आसमाने की पैरे जमी पे भाई, रखो फासला दिखावे वाले लोगों से, करता दिल से दोस्ती ना करूं नोटों से। क्लास में मैं सबसे ज्यादा पीछे था, मैथ और साइंस में मैं सबसे ज्यादा नीचे था, क्लास टीचर मुझे क्लास से निकाले रोज, प्रिंसिपल मेरे घर पे कॉल करके मुझ पे डाले डोज, घर रहा मिले गालियों से स्वागत, बाप कहे ऐसी औलाद पे लानत, बाप ना समझे यहाँ मेरी बातों को, बस माँ समझती थी मेरे जिस बातों को, कहती बुरा है वक्त ढल जाएगा, कर खुद पे भरोसा तेरा भी वक्त आएगा, ऊपर वाला देखना रास्ता दिखाएगा, तू इन किताबों से भी ऊपर निकल जाएगा। आज भी स्कूल की सारी बात है मुझे याद, बिना बात के मेरे ऊपर उठता विवाद, बिना बात के सस्पेंड होता क्लास में, बिना बात के चमेट खाता गाल पे, कोई ना जाने मैंने झेला है क्या, किस्मत ने मेरे साथ खेला है क्या, रोता था कमरे में कोई ना था साथ में, ऊपर वाला हंसता था मेरे हालात पे, कभी कभी करे दिल में कर लूं सुसाइड, मैं ना कर सकता इस दुनिया पे अकेले फाइट, लिखता वो जो मेरे जीवन ने दिखाया है, क्या मौत के बाद ये जीवन मिल पाया है। आसमान छूने का सपना, नाकाम होने का खौफ और फिर खुदकुशी। कोटा, जहाँ डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के सपने बेचे जाते हैं और उन सपनों के दम पर चलती है कोचिंग क्लासेस की कभी ना बंद होने वाली फैक्ट्री। करीब 8 लाख लोग हर साल वर्ल्ड में अपनी जान खुद ले लेते हैं और उसमें तकरीबन 1.5 लाख लोग सिर्फ हिंदुस्तान से होते हैं, और यंग लोगों में आत्महत्या के सबसे बड़े कारण जो होती है वो होती है पढ़ाई। क्यों? किताबी ज्ञान मुझे लगती अजीब सी, क्या फायदा डिग्री का जब डिग्री लेती जा नहीं, कभी सोचा है फांसी के बाद क्या होगा, तेरे माँ बाप का अपना यहाँ कौन होगा, कौन बुढ़ापे में रास्ता दिखाएगा, कौन बुढ़ापे में तीर्थ कराएगा, माँ बाप के अलावा होता कोई नहीं, तेरे बुखार में माँ रातों में है सोई नहीं, जिसने खिलाई अपने हिस्से की रोटियाँ, कंधे पे सुलाती रोज सुना के लोरियाँ, इन सबको कैसे भूल पाएगा तू, मरने के बाद भी खुश ना रह पाएगा तू, बादलों के जरिए चीखेगा चिल्लाएगा तू, फिर भी ये जीवन में ना वापिस आ पाएगा तू, बुरा हो वक्त लेकिन अपना भाई बेस्ट दो, क्या पता ऊपर वाला ले रहा हो टेस्ट ब्रो, बुरा हो वक्त लेकिन लड़ना यहाँ सीख लो, यमराज को ना ऐसे अपने जीवन का भीख दो। आपकी जान आपकी सबसे कीमती चीज है, कोई स्ट्रेस आए ना तो उसको बोल देना बहुत अच्छा है, अपने अंदर घुलना, उसको अंदर रखना, दबा के रखना बिल्कुल नहीं, किसी दोस्त को बोल दो या अपने माँ बाप से शेयर करो,